वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर के डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी गंभीर हैं और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया वो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि सर एग्जाम कब होगा आरपीएफ का। तो आज हम इसी के टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित न रह सकें। देखिए क्या है, अभी आपको एनटीपीसी का फॉर्म यहाँ पर फिल हो रहा है। ग्रेजुएट लेवल की पोस्टों के आपके जो आवेदन है वो 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक आपके आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं। इसके बाद जो 12th लेवल की वैकेंसी वो 21 सितंबर से स्टार्टिंग होगी। अभी 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं वो अभी वेट कर रहे हैं। एएलपी की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। अब जो सबसे मेन मुद्दा है वो है आरपीएफ एग्ज़ाम डेट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनकी एज ओवर हो रही है और लगातार परेशान है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अभी दो चार दिन के पहले के जो न्यूज़पेपर वायरल हो रहा था कि जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर के मध्य हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद रेलवे ने आरपीएफ को लेकर कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं दिया है कि रेलवे का जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो इस डेट को होगा। तो अभी तक यही कहेंगे कि अभी तक जो है आरपीएफ एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। जल्दी कोई नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि जब तक एएलपी के आवेदन या 13 अक्टूबर तक फिल हो जाएंगे, उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक जो है आप यहाँ पर अपने करेक्शन डेट आपको दी जाएगी। हो सकता है कि उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम डेट दी जाए। जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि 20 सितंबर तक आरपीएफ के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो रेलवे है वो बहुत ही स्लो मोशन में वर्क कर रहा है। तो देखिए अभी आरपीएफ की डेट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशंस है, कोई स्पष्ट जानकारी अब नहीं मिल रही कि आरपीएफ एग्ज़ाम कब होगा। देखिए सूत्रों के मुताबिक यही पता लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर या नवंबर के मध्य होगा, लेकिन अब जो इस साल 2024 में एग्ज़ाम होने के बहुत कम चांस रह गए हैं। आपको जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उम्मीद जताई जा रही कि आपका एग्ज़ाम 2025 जनवरी में होगा। देखिए जितने बड़े बड़े आपको यूट्यूबर हैं वो यही बता रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वह अब जो है नवंबर से दिसंबर के मध्य होगा, लेकिन अब ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं स्टूडेंट तुम्हारी एनटीपीसी में, उसके जो आवेदन है वो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होने वाले हैं। अब 13 अक्टूबर के बाद आपको 16 से 25 अक्टूबर तक जो करेक्शन डेट दी जाएगी, तो अक्टूबर आपका ऐसे ही निकल जाएगा एनटीपीसी को लेकर के। अब जो एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी वो हो सकता है नवंबर में जारी की जाए, और जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम के जनवरी 2024 में कराने की। तो आपके पास समय है, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, अभी आपको 1-2 महीने का और समय यहाँ पर मिल रहा है, 3 से 4 महीने का समय, जैसा कि आरपीएफ या रेलवे से संबंधित इंक्वायरी निकल कर आ रही है। तो यही गाइडलाइन है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के मध्य होने के प्रबल चांसेस हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएट हैं तो आप जो अभी एएलपी का जो आपका सॉरी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं इसको आप आवेदन करा दीजिए। ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये की फीस आपकी, और अगर एससी एसटी से हैं आप तो आपको 250 रुपये की फीस यहाँ पे करनी होगी। तो अगर आपने ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी बीकॉम में बीबीए किए हैं, या कोई भी आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो आप जो एनटीपीसी का अपना आवेदन करा लीजिए। और अगर आप 12th लेवल, अगर आपने अभी 12th किया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 21 सितंबर से आपके जो फॉर्म स्टार्ट यहाँ पर होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी आरपीएफ और एनटीपीसी की तैयारी आप दोनों साथ साथ में करते रहिए। सीबीटी का सिस्टम जो बहुत कम हो चुका है, अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में प्रोवाइड कराया था। और अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। तो अब आरपीएफ एग्ज़ाम डेट को लेकर के परेशान मत होइए आप। आरपीएफ एग्ज़ाम डेट जो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस निकल कर नहीं आया, सिर्फ आंकड़े लगाए जा रहे हैं पिछले आंकड़ों को देखते हुए। तो एग्ज़ाम जो आपका जनवरी 2025 में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप इस क्लास को नोट सेव करके रख लीजिए, जब भी डेट आएगी तो हो सकता है बेटा 2 जनवरी 2025 में ही आपका एग्ज़ाम हो। जैसे कि अपडेट निकल कर आती है आरपीएफ या रेलवे से निकल कर कोई भी, तो वो आप तक पहुँच जाएगी। तो नेक्स्ट के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर